वॉर फिल्म जो थी वो एक्चुअली पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की कल्चरल वॉर थी। उसमें बिलाल लशारी साहब और शान साहब ने बहुत बड़ा कदम उठाया था और उसमें इन्होंने कामयाबी हासिल की। मैं शान भाई को सलूट पेश करता हूँ कि वो ये फिल्म लेके आए हैं और पूरी दुनिया में ये फिल्म राज करेगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट मेरी मूवी आ रही है जी सुपर पंजाबी, जो पाकिस्तान के अंदर शूट होने जा रही है। 70% उसका काम मुकम्मल है। बाकी फिल्में इंटरनेशनल आ रही हैं, उनमें एक फिल्म आ रही है अन्नी दिया मजाक। क्या हम आप बॉलीवुड को टक्कर दे सकते हैं? थैंक यू। व्हाई नॉट, ये मौला जट वॉर और ये जो जरार है ये हॉलीवुड की टक्कर के लिए तो बनाई गई है। और शान ने जो फिल्म बनाई है जरार उसके लिए सामने देखेंगे कैमरा में। नहीं, बात तो शुरू होगी वॉर से, जहाँ से ये वॉर शुरू हुई। वॉर फिल्म जो थी वो एक्चुअली पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की कल्चरल वॉर थी। उसमें बिलाल लशारी साहब और शान साहब ने बहुत बड़ा कदम उठाया था और उसमें इन्होंने कामयाबी हासिल की। उसके बाद मौला जट क्रिकेट धाम मत ना कि मौला जट और अब जर्रार, ये पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए दो बड़े इंजन हैं जो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को लेकर इंटरनेशनल रूट के ऊपर चले हैं और इंशाल्लाह ये कामयाब कदम है। मैं शान भाई को सलूट पेश करता हूँ कि वो ये फिल्म लेके आए हैं और पूरी दुनिया में ये फिल्म राज करेगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट मेरी मूवी आ रही है जी सुपर पंजाबी, जो पाकिस्तान के अंदर शूट होने जा रही है। 70% उसका काम मुकम्मल है, 30% बाकी है इंशाल्लाह। वो लोकल सुपर पंजाबी है और वहाँ से जो बाकी फिल्में इंटरनेशनल आ रही हैं उनमें एक फिल्म आ रही है अन्नी दिया मजाक, अन्नी दिया मजाक और सुपर पंजाबी। क्या हम आप बॉलीवुड को टक्कर दे सकते हैं? थैंक यू। व्हाई नॉट, ये मौला जट वॉर और ये जो जरार है ये हॉलीवुड की टक्कर के लिए तो बनाई गई हैं। इंशाल्लाह हॉलीवुड के बाद तामिल, तामिल के बाद पाकिस्तान की पंजाबी इंडस्ट्री सुपर लेवल इंडस्ट्री है।